फाइनली हम लोग देहरादून पहुँच गए। हाँ 10-20 मिनट। आपने टाइटल और थंबनेल में वैसे देख ही लिया होगा, मैं निकल रहा हूँ आज देहरादून के लिए। अभी वही मैं पैकिंग कर रहा था जो आपने इससे पहले शॉट देखा हो, एंड ये रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ शॉट के कम से कम आधा घंटा 45 मिनट्स के बाद, बिकॉज मेरे भाई के ट्यूटर आए हुए थे तो इस वजह से। एंड या 4:30 में हमारी ट्रेन है। अभी बाय द वे देखो घर से क्या मिल रहा है खाने, चूरा ले जा रहा हूँ मैं वहाँ पर खाने के लिए, या और कुछ कुछ चीज़ें सेटअप करने के लिए ले जा रहा हूँ। जैसे मैं अपना मॉनिटर ले जा रहा हूँ, वो मैंने पैक करते वक्त नहीं दिखाया बट मैं वो ले जा रहा हूँ। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतना पतला है कि वो बैग में बहुत आसानी से आ गया। मैं सोचा उसको बॉक्स में ले जाऊँ बट उसका बॉक्स मिल नहीं रहा था, सो या इट्स लाइक डैट, बट कोई नहीं, चलो बैग में है तो बैग में आराम से जा रहा है, कपड़े से कवर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत थोड़ी गर्मी हो रखी है, सीटी लग जाए तो बस। पैकिंग सारी हो ही चुकी है अप्रॉक्स, बस जूते चप्पल छोटे मोटे चीज़ें रखने हैं जो रख लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी बजने वाले हैं 3 और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। बाकी उस समय से मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं करा कि था कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, और ऐसा कुछ खास हुआ भी नहीं, मैं पैकिंग वैकिंग यही सब में बिज़ी था। सो अभी मम्मी कर रही है ऑटो वाले को फ़ोन जो आता है, एंड ये अलमारी अभी बन के आई है, कलर इसका चेंज हुआ है, काफ़ी सही लग रही है, एंड प्लस नीचे इसमें वो भी ड्रॉअर भी लगा है, तो ये जस्ट अभी भी आई है। एंड लास्ट वीडियो में आपने देखा था मेरी मम्मी गुस्सा कर रही थी, तो वो यही टी शर्ट थी, ये टी शर्ट मैंने मंगाई थी क्योंकि ये थोड़ी ओवर साइज़ है तो मम्मी को नहीं पसंद आई, यू नो, बोले ये क्या है इतना ढीला सा क्या पहन लिया। सो या इट्स लाइक डैट। सो अभी सारी हो सब कुछ हो चुका है, सब सेट है, सामान बस आता है और उसके बाद तुरंत निकलते कपड़ा। रिकॉर्ड कर लिया है, कम से कम आधा 1 घंटे का रास्ता है, बहुत टाइम पे पहुँचने को ना दिया गया निकल रहा है। इस रूट पे बहुत कम आया हूँ, लिटरली मैं यहाँ था बीते दिन से, मेरा ज़्यादातर आउटर रिंग में ट्रैवलिंग ज़्यादा होती थी, मैं इस रूट पे बहुत कम आता था, या जब ये ओल्ड लखनऊ साइड में बहुत कम आता था, लिटरली कम क्या आता ही नहीं था, 0। सो या इट्स लाइक दैट। बाय द वे अभी हम लोग को थोड़ा टाइम और लगेगा पहुँचने में, बट टिल देन सो फार सो गुड। उस साइड में है लखनऊ यूनिवर्सिटी, और ये जो पिलर्स आप देख रहे हो, ये जो पिलर्स है, ये पिलर्स है मेट्रो लाइन का, जो सिंगल मेट्रो लाइन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो सिंगल मेट्रो लाइन है यहाँ पे, जो एयरपोर्ट से मुंसिपुलिया कनेक्ट करती है। एंड मतलब मेजॉरिटी ऑफ लाइन, जो मेजॉरिटी बीच में जो जो हिस्से हैं मेन हिस्से, वो सब कवर कर लेती है ये। तो या अभी भी थोड़ा सा दूर है, मतलब अब ज़्यादा दूर नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ से थोड़ा सा और दूर है, एंड उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे।
फाइनली मैं आ गया स्टेशन एंड ऑन टाइम आया हूँ क्योंकि ट्रेन पहुँच चुकी है। फोर नंबर में खड़ी है, वैसे भी टाइम है जाने में 20 मिनट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक है टाइम। सो या इस बैक एट चलो टाइम पे पहुँच गए एट लास्ट। तो अभी मेरे को ट्रेन में सीट मिल चुकी है एंड अंदर थोड़े लोग हैं इसलिए मैं बाहर ब्लॉक कर रहा हूँ। ट्रेन में सीट मिल चुकी है एंड अभी टाइम है, ट्रेन 4:35 में निकलेगी तो अभी अपने पास टाइम है। सो या इट्स लाइक दैट एंड चलो टाइम पे मैं पहुँच गया, मेरे को डर लग रहा था कहीं मैं टाइम पे ना पहुँच पाऊँ। एंड सुबह ये ट्रेन पहुँचेगी 6 बजे, अभी तक तो ऑन टाइम दिखा रही है क्योंकि यहाँ जल्दी पहुँच चुके हैं। यहाँ इसका 25 के आसपास पहुँचने का टाइम था और मेरे को लगता है 4:10 के आसपास ये पहुँच गई थी यहाँ पे, तो यहाँ तक तो ऑन टाइम। सो फार सो गुड, अभी जाऊँगा मैं, बस लेट जाऊँगा, कुछ करना है नहीं। तो फाइनली ट्रेन चल दी अपने टाइम पे। चलो ये सही है कि एग्जैक्टली टाइम पे ट्रेन चली है एंड कल सुबह 6 बजे। सो गया था, मेरा प्लान नहीं था लेकिन चलो मैं सो गया तो टाइम कट गया, तो पहले खाते हैं उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। सो गाइस अभी हम लोग बरेली पहुँच चुके हैं और अभी 9:10 हो रहे हैं, एक्चुअली 10 मिनट लेट है यहाँ पे। पहले चलते हैं, मेरे को कोक पीने का मन कर रहा है तो कोक लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करता हूँ। या तो ट्रेन यहाँ लेट है, अभी मैंने फैंटा खरीदा, एक्चुअली मेरा फैंटा पे आ गया, तो अब ट्रेन लेट है, 10 मिनट ज़्यादा देर नहीं है और मैं अंदर बोर हो रहा था। प्लान था मेरा सोने का बट मैं सोया 5:30, सॉरी मैं सोया वही ट्रेन चलने के आधे घंटे बाद, तो उसके बाद मैं सोया तो डायरेक्ट 8:30 में नींद खुली, फिर खाया एंड अभी हम लोग बरेली पहुँचे, तो यहाँ से भी है थोड़ा दूर है। तो यार अभी ट्रेन खुल चुकी है, चलते हैं वरना हम लोग यहीं रह जाएंगे। सो गया 4 घंटे के लिए, इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है एंड नेट भी नहीं चल रहा है कि मैं कुछ कर रही है, कुछ वीडियो देखूँ। सो देखते हैं क्या करना है। अभी बाय द वे हम लोग मुरादा बहुत क्रॉस करे हैं और अभी टाइम हो रहा है 11:07, तो या वही 10 मिनट के आसपास लेट है ट्रेन एंड या इट्स लाइक दैट। क्या देखा कुछ है नहीं, सब अगल बगल सो रहे, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं कर रहा हूँ अंदर। ऐसे टाइम पर मेरे को लगता है AC फर्स्ट क्लास ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक केबिन लो, आराम से बैठो। तो गाइस अभी हो रहे हैं सुबह के 3:45 एंड अभी हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं। मुझे लगता है थोड़ा जल्दी हम लोग हरिद्वार पहुँच गए बट कोई नहीं, अच्छी बात है, क्या दिखा था इसमें। सो या इट्स लाइक दैट एंड इसके बाद अब 3 स्टेशन और है, उसके बाद आएगा देहरादून। सो या अभी मैं नींद खुली तो ठीक है, और सो गाइस अभी हम लोग ने दोई वाला जस्ट क्रॉस करा है एंड अब नेक्स्ट स्टेशन है देहरादून। सो या अभी मैं नीचे इसलिए आया क्योंकि ये नीचे वाले दोई वाला में उतर गया, फ़ोन मेरा डिस्चार्ज था तो मैं सोचा फ़ोन भी चार्ज कर लूँ एंड अभी हम लोग जंगलों के बीच से जा रहे हैं, तो यहाँ नेटवर्क एकदम ज़ीरो हो जाती है, एकदम गायब। सो इट्स लाइक दैट एंड बस तो इधर में पहुँच जाएंगे हम लोग 10-15 मिनट में। सो थोड़ा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन चलो जो ऐसे ही है। और ये पहाड़ों का ग्लिम्स आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है, मतलब अभी थोड़ा क्लाउडी वेदर है, फ़ोन में तो अच्छे से नहीं पता चल रहा है बट ऐसे आँखों से बहुत सही लग रहा है।
और अब हम लोग पहुंचने वाले थोड़ी देर में, बस मेरे को लगता है 2-3 मिनट और, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, बट ये व्यू कितना सही लग रहा है। फाइनली हम लोग देहरादून पहुँच गए, 10-20 मिनट लेट बट पहुँच गए, और वैसे भी अभी 6 बजे तो तब फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बेटर तब करता है जब अब दोपहर में ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा मैटर चल जाता है, बट अभी सुबह का सुबह अर्ली मॉर्निंग होता नहीं मैटर करता है। फिर साइड चलते हैं पहले बाहर, फिर ऑटो पकड़ते हैं और निकलते हैं फ्लैट की ओर। वैसे यहाँ उतरते ही सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो है यहाँ का वेदर काफ़ी सही हो रहा है। वैसे तो वेदर लखनऊ का भी सही हो रहा है, बट यहाँ का थोड़ा ठंडा वेदर हो रहा है एंड सही है। और अभी पहुँच चुका हूँ एंड अभी 6:30 हो रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरे को पहुँचने में, एंड जाऊँगा थोड़ी देर आराम करूँगा, मेरे को नींद आ रही है। एक्चुअली मैं ट्रेन में ठीक से सो नहीं पाया, जाग रहा था तो ठीक से सो नहीं पाया, थोड़ी नींद आ रही है, तो अभी जाऊँगा सोऊँगा उठूँगा फिर जाऊँगा खाने से। गाइस वीडियो को करते हैं क्लोज, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। विद दिस सेड आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।